एवरीवन, मेरा नाम मयूर है। मैं हॉबी से एक फोटोग्राफर हूँ। जनरली जब भी मैं फैमिली के साथ मूव करता हूँ तो मैं फोटोज लेता रहता हूँ। मेरी फोटोग्राफी की जर्नी मैंने शुरू की थी लगभग 9 साल पहले, जब मैंने अपना पहला DSLR कैमरा लिया था, नाइकॉन D3100। ये एंट्री लेवल DSLR कैमरा है, जिस बहुत ही बेसिक है, लेकिन आपको ये काफ़ी सारी फंक्शनलिटी सिखा देता है। आप अपर्चर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, ISO कंट्रोल करना सीख जाते हैं, आपके हाथ में स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। ISO परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, बट फॉर अ बिगनर यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन दिस कैमरा एंड यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स विद इट। मेरे पास दो लेंसेज थे बेसिकली, 1855 एंड 55-300। उससे मैंने ये जर्नी शुरू की और मैंने काफ़ी अच्छी से फोटोज क्लिक किए हैं। आई ट्राइड लगभग एवरीथिंग, शूटिंग अ सिल्वर्स, शूटिंग अ लाइट पेंटिंग एंड इट हैज डन अ फेयरली गुड जॉब। बट डार्क लाइट में इसके कंडीशन पे इसकी थोड़ी फंक्शनलिटी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं आती है। नाउ आई मूव टू द नाइकॉन Z6 और मैं ये जर्नी इस तरह कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक मैं चुनना चाहता हूँ कंपोजिशन, बिकॉज बहुत सारे लोग जो मूव करते हैं, कभी घूमने जाते हैं, तो चाहते हैं हमेशा एक मेमोरेबल फोटोग्राफ लिया जाए। अब आपके पास अगर बेसिक गेयर रहता है तो आप सोचते हैं कि फोटोग्राफ अच्छा कैसा दिखे, तो मैं आपको कुछ बेसिक टेक्निक्स बता सकता हूँ जिससे आपकी फोटोग्राफ देखने में काफ़ी अच्छी रहे और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ही अच्छी जगह पे हो, लेकिन आपको उस एनवायरनमेंट को बेसिकली यूज़ करना आना चाहिए, उस लाइट्स को यूज़ करना चाहिए। मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी मेरे पास कोई लाइट नहीं है, अभी भी मेरे पास कोई स्पीड लाइट्स नहीं है, तो मैंने बल्ब्स एंड बैक लाइटिंग जो मैंने यूज़ करी है वो हमेशा ही बल्ब्स के थ्रू की है, फ्लोरोसेंट लाइट्स यूज़ की हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ फोटोग्राफ शो करूँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि कंपोजिशन कैसे यूज़ किया गया है और एनवायरनमेंट के लाइटिंग को किस तरह से यूज़ किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं किस तरह से एम्बिएंट की यूज़ किया गया है। हम नाइट की फोटोशूट में हमेशा आपको जो लाइट्स रहती हैं वो आपके सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सामने एक लैंप पोस्ट था जिसकी तरफ सब्जेक्ट ने फेस किया हुआ है, उसकी लाइटिंग से चेहरा लिटअप हुआ है। सामने आग जल रही थी उसको भी फोरग्राउंड में रखा गया है, पीछे एक जो पेड़ पर लाइट पड़ रही है उसे बैकग्राउंड में रखा गया है, साइड में आपके जो रूम्स थे उसकी लाइट है। इस तरह से कंपोज करने से पिक्चर आपके काफ़ी ड्रामेटिक लगती है, आपके 2-3 कलर के लाइट भी मिल रहे हैं, अब इस तरह की कंपोजिशन बना सकते हैं। सामने एक स्मोकीनेस का भी इफेक्ट आ रहा है। ये अगली पिक्चर जो आप देख पा रहे हैं एक लीडिंग लाइन्स का कॉन्सेप्ट है जो फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। आपका सब्जेक्ट जो सेंटर में है और उसको उसकी तरफ आपको डायरेक्ट करती हुई दो लाइंस जा रही हैं, जो आपका रेलिंग्स हैं स्टेयर केस की उसकी तरफ इशारा कर रही हैं, तो आपका सब्जेक्ट की तरफ ध्यान आकर्षित होता है। उसके साथ साथ आपको एक डेप्थ का भी फील आ रहा है और पीछे जो स्काई है वो एक नेचुरल बैकग्राउंड का भी काम कर रहा है, जिससे आपके फ़ोटो में काफ़ी अच्छा इफेक्ट पैदा हो रहा है, अब फोटो देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसके साथ साथ इसमें जो कलर इफेक्ट्स हैं, जो रेड है तो येलो है, और जो प्राइमरी कलर्स का इफेक्ट आ रहा है वो देखने से काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आप इस तरह का कंपोजिशन कभी भी जाकर ट्राई कर सकते हैं। ये अगली पिक्चर मढ़े में ली हुई है, सामने एक नेचुरल वाटर का सोर्स है और पीछे एक स्विमिंग पूल है, इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश है। आप इस फोटो का अगर बिना इस सामने जो सब्जेक्ट खड़ा है, मॉडल खड़ा है, उसके बिना इमेजिन करने की कोशिश करें तो फोटो कितना डल लग सकता है, लेकिन उसके बीच में खड़े होने से काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, फोटो काफ़ी कंप्लीट लग रही है। आपका जो ब्लूनेस का तो मैच हो रहा है फोटो में, वो काफ़ी देखने में सुंदर लग रहा है। तो आप भी इस तरह का फ़ोटो कंपोज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को सेंटर में रखते हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छी सिमेट्री मिल रही है इस पिक्चर में। इस पिक्चर हम देखते हैं कि हम लोग लाइट को अपोजिट सब्जेक्ट को रखा गया, इससे आप सब्जेक्ट के सिर के पास एक लाइटिंग इफेक्ट देख पा रहे हैं जो आपके सेपरेशन लाइट का भी काम कर रही है। जो चर्च आपका बैकग्राउंड में है वो भी थोड़ा डार्क शेड में चला गया है, लेकिन इससे काफ़ी एक ड्रामेटिक इफेक्ट पैदा हो रहा है। ऊपर से जो बेंच आपको एक सब्जेक्ट की तरफ लीड करती हुई जा रही है उसको भी यूज़ किया गया है, और तो इस तरह से आप इफेक्ट देख रहे हैं कि कुल मिला के काफ़ी ड्रामेटिक इफेक्ट पैदा कर रहा है। ऊपर से आपका कैमरा एंगल भी लो रखा गया है। इस अगले पिक्चर में भी आप तो कभी अपने सराउंडिंग में जाएंगे तो एक पेड़ गिरा हुआ था, पीछे एक उसकी टहनियाँ जो फैली हुई वो बैकग्राउंड बना रही हैं,
काफ़ी ड्रामेटिक इफेक्ट है। और पेड़ कतानी को हमने यूज़ किया गया है जो सब्जेक्ट की तरफ आपको लीड कर रही है। सब्जेक्ट उस पेड़ पर बैठा हुआ है, कैमरा ठीक पेड़ के ऊपर सेट किया गया है ताकि ऐसा इफेक्ट लगे कि वो आप उसकी तरफ डायरेक्ट हो रहा है, आपको एक डेप्थ का भी फील आ रहा है। इससे ये कंपोजिशन काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रही है। ऊपर से जो ब्लू और ग्रीन का जो बैकग्राउंड का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो काफ़ी देखने में सुंदर लग रहा है। अब इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं लगभग दोपहर के 12 बज रहे थे, पीछे सारी काफ़ी सारे पाइन ट्रीज थे, नीचे एक सामने एक पेड़ भी गिरा हुआ था और कुछ डालियाँ सूखी पड़ी थी, तो एक नीचे ब्राउन और पीछे एक ग्रीन का इफेक्ट आ रहा था। और लाइट सीधे ऊपर से पड़ने के कारण सब्जेक्ट के सिर पे पड़ते हुए चेहरे में हल्का सा शेडीनेस पैदा कर रही थी जो देखने में काफ़ी ड्रामेटिक लग रहा था। ऊपर से जो पेड़ है, पेड़ का टेक्सचर भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो इस तरह का कंपोजिशन भी आप काफ़ी प्लान कर सकते हैं और ये काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। ये शॉट जो आप देख पा रहे हैं इसमें पेड़ों को यूज़ किया गया है, नीचे के एंगल कैमरा एंगल से खींचा गया है जो काफ़ी सुंदर लगता है। ऐसा लगता है आप हाइट की तरफ देख रहे हैं, बच्चे सब्जेक्ट ने भी अपना सिर ऊपर की तरफ कर रखा है, हमेशा आपके एक हाइट की तरफ बढ़ता हुआ इशारा दिखता है तो फोटो काफ़ी देखने में सुंदर लगती है। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि सामने खाना बन रहा था, इसकी आग चल रही थी और जो मॉडल है उसके सामने बैठा हुआ है, तो साक्षात जो उसके चेहरे पर लाइटिंग पड़ रही थी, अब चेहरे का एंगल भी उसी तरफ रखा गया है ताकि आप पूरी तरह उस लाइट को यूज़ कर सकें। और साइड में आपको एक नेचुरल विनेटिंग इफेक्ट पैदा होता है क्योंकि लाइट उतनी सफिशियंट होती है कि उसके चेहरे को लिटअप कर पाए। तो इस तरह से आप इस तरह की कंपोजिशंस यूज़ करके आप फोटोज़ को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और अब कभी भी आप जर्नी में होते हैं तो इस तरह की फ़ोटोज़ खींचने से आपको कभी भी ऐसा फोटोग्राफर की कमी महसूस नहीं होगी, आप भी बहुत ही अच्छी फ़ोटो खींच पाएंगे। तो ये सारी फ़ोटोज़ पचमढ़ी और मढ़ई के आसपास ली हुई है और वहाँ के जो लोकेशंस हैं ऐसी काफ़ी खूबसूरत हैं। फिर भी आपको हमेशा इसी देखते रहना चाहिए अपने एम्बियंट को, किस तरह यूज़ करें, आपके एम्बियंट में कुछ इंटरेस्टिंग हो तो उसे अपने फ़ोटोज़ में उतारें। जैसे वो गिरा हुआ पेड़ था और सामने कोई आग जल रही हो, उस तरह की चीज़ों को यूज़ करने से आपके फ़ोटो में काफ़ी मीनिंगफुल इफेक्ट आता है और आपकी फ़ोटो देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंपोजिशन टेक्निक्स पसंद आए होंगे, अगर ये फ़ोटोज़ पसंद आए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये टेक्निक्स का फ़ायदा सभी को उठा सकें। सो गाइस, अपने फैमिली के साथ तो भी घूमने जाएं तो इस टेक्निक्स को यूज़ करें। एंड कीप ट्रैवलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप शूटिंग एंड एन्जॉय योर लाइफ। बाय बाय।